तो मेरे को बोला कि नहीं यार तू कर पाएगा या तू कर पाएगी, बिकॉज आई हैव डन इट, आई नो. हाउ डिड यू मैनेज टू कम टू यूएस? इट्स लाइक 300 square feet, एंड इन दिस 300 square feet, मुझे ना फॉर्मूला बता दो कि कैसे वीडियो वायरल होते हैं. इंडियन कल्चर अमेरिकन कल्चर मिक्स हो रहा है उनकी लाइफ. गेस्ट बेडरूम वी हैड, इट्स प्रीटी सिंपल. नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हाल. मेरा नाम है ऋतु. बिफोर आई स्टार्ट दिस इंटरव्यू, आई वांट टू से थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल. बिग 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 थैंक यू, एंड टू द पीपल हु वाचिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब, इट्स फ्री. एज ऑफ नाउ टुडे आई एम बैक विद वन मोर इंटरव्यू. दिस इज विद यूडीजे, इंडियन यूट्यूबर इन यूएसए. काफी ज्यादा मजेदार इंटरव्यू है. दिस इज अबाउट अ जर्नी ऑफ समबडी जो मुंबई में एक चौल में रहते थे और आज यूएस में उनका अपना घर है, अच्छी जॉब है. सो व्हाट इज द हार्ड वर्क दैट वेंट बिहाइंड ऑल दिस थिंग? अगर आप यूट्यूबर होना तो ऑसम रेसिपी क्या है वायरल वीडियोस की? काफी ज्यादा मजेदार इंटरव्यू. जब आप इंटरव्यू देख लोगे ना, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल फील होगा. आपको पता लगेगा हार्ड वर्क का मतलब क्या है. लेट्स रोल. ओके, सो राइट नाउ वी हैव यूडी. यूडी हैज अ ब्यूटीफुल चैनल कॉल्ड यूडी जे, और बहुत सारी पढ़ाई की बातें होती है, बहुत सारी क्रॉस कल्चरल कॉमेडी स्केचेस होते हैं, और बहुत सारा मजेदार अमेरिकन कंटेंट होता है. अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन, आप बनाते हो बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो बहुत लोगों को हेल्प करता है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, ठीक है? So let's talk about you as in general, कि आप US कैसे आए? Because like I have seen your videos, this is बहुत middle class background से. How did you manage to come to US when it comes to studying in US? Yeah, तो सबसे पहले hello everybody, मेरा नाम यूरी है और मैं मुंबई से हूँ, and चौल system में रहता था. And the reason I decided to come here was because there was a party. ये story मतलब बड़ी, थोड़ी बड़ी स्टोरी है, काट बाट के बताता हूँ कि सीन क्या था. वो पार्टी के अंदर आई मेट माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड, एंड शी हर फादर वॉज अ मोची, जो कॉबलर्स होते हैं ना, मतलब शूज, तो उनका अलग से एक स्टॉल टाइप था हमारे एरिया में. तो शी टोल्ड मी दैट हर फादर हैज नाउ अ शोरूम इन इन्फिनिटी मॉल. तो मैं तो मतलब शॉक हो गया कि यार, मतलब I was like happy, and then I asked her like, you know, so what's happening, what's new, and then she told her sister is now studying in United States, UTD naam ki college hai. Aur usne mereko bola ki uski sister jo hai wo matlab part time job karti hai, aur part time job jo hai wo sandwich banane ka tha tabhi, aur wo sandwich banane ka jo job ka jo paisa tha wo it was $9 an hour, and 20 ghante ka kaam, part time is like 20 hours. So to the math, that was more than like double the money I was making as a full-time software engineer. Big struggle was money, but I'm fortunate enough to have family and friends. So मैंने क्या किया, थोड़े-थोड़े पैसे करके, और सबसे main चीज़ जो मैंने की है, I never believed in branding and ranking of the college. मतलब मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि वो Stanford हो या ये, मेरे को एक चीज़ पता था कि मैं किधर भी जाऊँगा, like no matter अगर वो सबसे lowest college भी रहेगी, I will be doing my best I can in that college to become the best who I will be in my curricular. Acha, you have a YouTube channel like I mentioned, UDJ. What is the reason that you talk about academics? Matlab aapko bhi pata hoga, just giving an example, like you talk about cross cultural content, you talk about other videos, you talk about comedy sketches, but I think the heart lies with something in which, you know, academics is involved. You also know there are other things which can work better when it comes to views, when it comes to subscribers, when it comes to numbers. मैं lower middle class family से हूँ, और जब आप lower middle class family से होते हैं तो the world looks at you at a very different perspective. जब लोग देखते हैं आपको तो ऑटोमेटिक सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब ये, और ये जो मैंने मेरी चैनल पे भी बोली है कि मैं एक शादी में गया था, एंड वो शादी बहुत बड़ी थी, तो मेरे खुद के जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ मैं बैठा था, और बड़ी शादी में जो संगीत संध्या टाइप होती है, जो संगीत नहीं होती है, तो उसमें एंकर बुलाते हैं, तो मेरे को, मैं आई वॉज इन फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड, तो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा कि कोई एक बंदा स्टेज पे आता है, पूरा एंटरटेन करता है 500 लोगों को. यार मैं बोला यार मेरे को भी करना है ये, तो आई जस्ट स्टैंड इन एज अ यू नो चाइल्ड कि आई वॉन्ट टू डू इट. तो इमीडिएटली देयर वॉज अ कॉमेंट मेड कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते टाइप, यू नो, स्लैंग में से मेरे को, मेरा मजाक उड़ाया गया कि लाइक आई शुड नॉट ड्रीम दैट मच, क्योंकि आई नो दैट हाउ विच बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम. पता है कि बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते कि हम लोग ये बड़ा कर पाएंगे, तो मेरे को बोलना है कि नहीं यार तू कर पाएगा या तू कर पाएगी, बिकॉज आई हैव डन इट, आई नो. और ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंट था, मेरा इंग्लिश भी
बहुत बुरा था जब चार मतलब इफ यू वुड हैव टॉक टू मी इन 2014 माय इंग्लिश वाज हॉरिबल सो नहीं कि अभी इट्स लाइक फुल ऑन फ्लुएंट बट यू लर्न हां सो इट्स ऑल डूएबल यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड इट्स पॉसिबल मुझे ना फॉर्मूला बता दो कि कैसे वीडियो वायरल होते हैं सो बेसिकली आई हैव सीन वन वीडियो ऑफ योर्स उसमें ऑलमोस्ट 5 लाख व्यूज अराउंड 5 लाख है 1.5 लाख 4 लाख 3.5 लाख आई थिंक दिस इज लाइक व्हेन कम्स टू नंबर ह्यूज हाउ डू यू मेक इट लाइक डू यू नो एट टाइम्स दैट ये वाली चीज चलेगी व्हाट इज द रेसिपी ऑफ वायरल वीडियो हाउ डू यू मेक वीडियोज व्हिच कैन गो टिल 5 लाख लाइक दिस इज अ बिग नंबर व्हाट इज द रेसिपी डू यू नो एग्जैक्टली कि ये चल जाएगा और जस्ट लाइक चलने के बाद पता लगता है अच्छा इसमें ये था इसलिए चल गया लाइक व्हाट इज द रेसिपी ऑनेस्टली जो मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो तो पूरा चलेगा कि ये वीडियो तो जाना ही चाहिए इतना व्यूज 10,000 व्यूज 50,000 व्यूज 100,000 व्यूज वो नहीं जाता है और जो मैं नहीं सोचता हूँ कि मतलब ये वीडियो क्यों लोग देखेंगे और वो वीडियो को चला जाता है हाँ तो व्हाट आई रियलाइज्ड इट आई थिंक पीपल लव टू सी योर लाइफ एंड दे लाइक टू बी एंगेजिंग इन द कंटेंट और शायद जो एजुकेशनल पढ़ाई वाला जो कंटेंट है मेरा वो मतलब उसमें मैं लोगों को मेहनत करने को बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो पढ़ाई वाला बोरिंग कंटेंट है तो जो मेरे वीडियोज जो वायरल हुए हैं या जो 5 लाख व्यूज है 4.5 उसमें मैं पढ़ाई की बातें नहीं कर रहा हूँ उसमें मैं ऐसे घूम रहा हूँ वो वाला ज्यादा चले क्योंकि लोगों को शायद वो ही पसंद है अच्छा यू ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ क्रॉस कल्चरल कंटेंट सो फॉर पीपल हु डोंट नो आपकी वाइफ अमेरिकन है और लाइक थोड़ा सा क्रॉस कल्चरल कंटेंट हो जाता है सो लाइक व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ हर अबाउट इंडिया व्हाट डज शी थिंक अबाउट इंडिया एंड ऑल्सो कितना ज्यादा वो एंगेज रहती है उनको कितना समझ में आता है एंड ऑल्सो Why do you think this content works? Because like I've seen one video in which she's singing and to see that singing people are watching that and like अरे सही है and in which she's going for the shopping तो वो भी लोगों ने देखा so I think people like to see across culture मतलब अंदर से शायद accept करे ना करे बाहर से सबको अच्छा लगता है so what do you have to say about that kind of content कि उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है and how much that content is close to your heart because your wife is also involved yeah so the whole reason I did started making our family vlogs जो वाइफ के साथ बना रहा था है इट वॉज मेनली द थॉट्स वर कि हम लोग को मेमोरी बनानी है सिंस आई हैव अ यूट्यूब चैनल आई जस्ट पुट इट अप देयर और 10 साल के बाद 50 साल के बाद जब हम लोग बैठ लाइक यू नो वी विल बी विथ आवर किड्स और ग्रैंड किड्स वी विल गेट टू सी कि यार देखो हम लोग शादी यहाँ पे की थी हम लोग यहाँ पे घूमने गए थे तो दैट वॉज माई थॉट प्रोसेस केटलिन है मेरी वाइफ का नाम शी इज वेरी वेरी interested in Indian culture. She audience probably loved that ki there's one Indian culture, American culture mix ho raha hai, unki life hai, okay. same cheez hoti hogi Indian husband wife ke beech mein ya alag hoti hogi. So I think that's the curiosity they have. So you had fun in this conversation? I love it. I loved it. Yeah. So I know to all the people who are watching right now, you should please subscribe to me and you should please subscribe to UD. बहुत अच्छा content है, बहुत amazing content है, बहुत एक अलग तरीके का fresh taste of life है. दोनों का description में मैं link डालूँगी, जाके देख लेना. I hope you really like me. I hope you really like my vlog. If that is the case, you know what you have to do: like, comment, share, subscribe.